कहानी का आगाज़ होता है 27 अगस्त से, जब मैं अपने एक दोस्त के साथ किसी काम से लाहौर गया सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन ये मेरा प्लान था। अबे चोट में गया था उसने भाई। इधर देखो इधर, मैं बहुत मजा आ रहा हूँ। आप खोलो खोलो खोलो, पकड़ो इसको, ये लो इसके विंग्स भी पकड़ो। ठीक है फिर आप कैंसिल कर दें। अच्छा मैं डिस्काउंट कर दिया नहीं मैं फिर कैंसिल कर, ये कैसे करेगा ना, इसका नुकसान होगा। अब हम उसका इंतजार करें कैंसिल करने का। यार ये बंदा देख लो, कोई इससे राइड ना बुक करे। नहीं आ, सही बात है, हमारे कैंसिल किए उसने। सारी लेट हुई है इस बंदे की वजह से, ये जो मासूम बन के यहाँ खड़ा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट टॉप जी रुक जा, आगे रुक की रुक भाई। वो हाथ का साइन बनाना यार। नहीं नहीं वो एक हाथ अपना यहाँ पर अटैच करो यार मेरे साथ। और नहीं ऐसे नहीं मामा, तो ऐसे करके भाई को छोड़ के टॉप जी बैक। अभी टॉप नहीं पकड़ा गया था भाई। मास्कर यार पहली बारी है, पहली बारी है। अबे देखो लाहौर आ गए हैं, तुम लोग बनाओ भाई। ये वीडियो उन बंदों को डेडिकेट कर रहे हैं जो लोग प्लान कैंसिल कर देते हैं। देखो लाहौर है, लाहौर है सुपरस्टार। फैमिली डे है, हम सारे भाई हैं यार, तो फैमिली है। आपने अगर आना है सोलो तो। और वो एक दिन किस तरह 5 दिनों पर मुश्तमिल हो गया पता ही नहीं चला। लाहौर से तो मैं वापस आ गया, लेकिन एक और चीज़ थी जो मेरे साथ आई, मेस्ड अप रूटीन। सारी सारी रात इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करना और सारा सारा दिन सोए रहना, फिर भी हर वक्त थकावट का एहसास। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, एंड व्हाट आई फाउंड is literally amazing. So they say if you're resting but guilting and shaming yourself for not being productive the whole time, you're not actually resting. और सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि my mind is missing something. And today I'm gonna give that something to my mind by using ChatGPT. So it's 4:30 AM in the morning and just to clarify some things, मैं अभी अभी उठा नहीं हूँ, मैं सारी रात सोया ही नहीं। अच्छा यार मैं जो सा AI का chatbot यूज़ कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ स्नैपचैट का, स्नैपचैट AI, माई AI जो सा है। तो अभी मैं उसको बताता हूँ अपने चैलेंज के बारे में कि हम ये वाला चैलेंज करने लगे हैं, और देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स उसके ऊपर क्या होता है। हेलो AI मैम, सो टुडे आई वॉन्ट टू डू अ चैलेंज विथ यू। For like next 24 hours, I will do whatever you want me to do for like my YouTube video. So you just have to give me tasks and I will do that. AI sucks. अच्छा जहाँ तक बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के मैं रनिंग भी इंक्लूड करूँगा, जिम भी इंक्लूड करूँगा, थोड़े से वैसे ही पुशअप्स और पुलअप्स वगैरह भी इंक्लूड करूँगा। तो अभी लिटरली 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है, और मैं कह रहा हूँ डेविड गॉगिंस की वीडियोस देखते कि ऐसे लगता था कि कोई मसला ही नहीं है 1-2 किलोमीटर तो, लेकिन अब दौड़ रहा हूँ खुद तो पता लग रहा है।
भाई तब बातों की बातें, चांद बहुत अच्छा लग रहा है यार, तो उसके साथ होता रहा भी। जॉन सा, हमें हॉबीज़ वाला टास्क मिला ना कि कोई भी अपनी हॉबी को शो करो या फिर कोई ऐसा काम करो जो आपको करना पसंद हो, तो उसके अंदर मैं सोच रहा था कि क्या करूं, लेकिन अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास एक अदर स्केटिंग शूज़ भी हैं, और ये मुझे ऐसे याद आया कि मैंने इनको लगाया हुआ था ओएलएक्स पे, क्योंकि मैंने इनको लिया था आज से कोई 3-4 साल पहले अपनी बर्थडे के ऊपर, लेकिन इनको मैंने एक आध दफ़ा यूज़ करके, क्योंकि सड़कें वगैरह माशाल्लाह से इतनी अच्छी है नहीं, तो एक दो दफ़े यूज़ करके बस इनको छोड़ दिया था, कबर्ड के अंदर रखे थे कब से, तो मुझे याद आया तो मैंने कहा इनकी पिक्चर्स लेके ओएलएक्स पे डालता हूँ, लेकिन फिर ही मुझे याद आया, मैंने कहा यार कोई हॉबी तो करनी है, तो चलो ये भी तो मेरी पसंदीदा चीज़ ही है, तो ट्राई करते हैं। Bye.